मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में मीका मोरेशेती को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। हे जाति जाति के सब लोगों, सुनो। हे पृथ्वी, तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान धर, और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे, क्योंकि देख, यहोवा तो अपने पवित्र स्थान से बाहर निकलता है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा, और पहाड़ उसके नीचे ऐसे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेंगे जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। यह सब याकूब के अपराध और इसराइल के घराने के पाप के कारण से होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान के खेत का ढेर कर दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खंड में लुढ़का दूंगा और उसकी नेव उखाड़ दूंगा, और उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग में भस्म किया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले की ही कमाई से तो उसने उनको संचय किया है, और वह फिर छिनाले किसी कमाई ही को हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीट पीट कर हाय हाय करूंगा, मैं लुटासा और नंगा चला फिरा करूंगा, मैं गिदड़ों की नाई चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों की नाई रोऊंगा, क्योंकि उसके घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदी पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जात भाइयों पर पकड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। गात नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रो, बेत अपरा में धूलि में लोटपोट करो। हे शापिर की रहने वाली नंगी होकर निर्लज्ज चली जा, सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती, बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि मारोथ की रहने वाली तो कुशल की बाट जोहते जोहते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। हे लाकिश की रहने वाली, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत, तुझी से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इसराइल के अपराध भी तुझी में पाए गए। इस कारण तू गात के मोर्शेत को दान देकर दूरित कर देगा, क्योंकि अकजीब के घर से इसराइल के राजा धोखा ही खाएंगे। हे मारेशा की रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा और इसराइल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा, अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवाकर सिर मुंडा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंधुए होकर तेरे पास से चले गए हैं। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। हाय उन पर जो बिछोने पर पड़े हुए बुराइयों के उपाय की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा रखते हैं, बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते हैं वे उसको पूरा करते हैं, और वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं, और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं, और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यो कहता है कि मैं
इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने की कल्पना करता हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे न अपने सिर ऊंचा कर पाएंगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा कि हम तो सर्वनाश हो गए, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय, वह उसे मुझसे कितनी ही दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तेरा ऐसा कोई न होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं कि बकवास न करो, इन बातों के लिए न कहा करो। ऐसे लोगों में से अप्रतिष्ठा जाति न रहेगी। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या ये काम उसी के किए हुए है? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांत और भोले भाले राहियों के जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चल रहे हैं, उनके तक कितन के तन से चादर छीन लेते हो। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुखधामों से निकाल देते हो और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा से चलता हुआ यह झूठी बात कहे कि मैं तुमसे नित्य दाख मधु और मदिरा का वचन सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा। मैं इसराइल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा। बासरा की भेड़ बकरियों की नाई एक संग रखूंगा। उस झुंड की नाई जो अच्छी चराई में हो, वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। और मैंने कहा, हे याकूब के पुत्र, हे इस्राएल के घराने की न्यायियों सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस उधेड़ लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते हो और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते हो और उनका मांस हांडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा। वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह फूल फेर लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते और अपने दांतों से काटकर शांति शांति पुकारते हैं, और जो कोई उनके मुंह में कुछ नहीं देता, उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाता है। इस कारण ऐसी रात तुम पर आएगी कि तुम को दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे, और भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते रहते अंधेरा हो जाएगा, और दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब इसलिए अपने ओठों को ढापेंगे कि यहोवा की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इसराइल को
उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधान, हे इस्राएल के घराने के न्याय, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी-मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। वे तो सिय्योन को हत्या करके और यरूशलेम को कुत्ता करके दूर करते हैं। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं और याचक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमारे बीच में तो है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इस कारण तुम्हारे हेतु सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम डीह ही डीह हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हरेक जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। सो वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे, तब एक जाति दूसरे के विरुद्ध तलवार न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, वरन वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं बजा के लंगड़ों और बरबस निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठे करूंगा, और मैं लंगड़ों को बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थ्य जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सियोन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। और हे एदेन के गुम्मट, हे सियोन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझमें कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नाश हो गया जिससे जच्चा स्त्री की नाई तुझे पीड़ा उठती है? हे सियोन की बेटी, जच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गली में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी, वही तू चुराई जाएगी, अर्थात वही यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश से छुड़ाएगा। और अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठा होकर तेरे विषय में कहेगी कि सियोन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारे, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते न उसकी युक्ति समझते कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में फूले बटोरे जाते हैं। हे सियोन, उठ और दाव, मैं तेरे सिंगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठे हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है।
वे इसराइल के न्याय के काल पर सोटा मारेंगे। हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक जागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इसराइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा, और वे बैठे रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा, और वह शांति का मूल होगा। जब अश्शूरी हमारे देश पर चढ़ाई करे और हमारे राजभवनों में पाव धरे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे, और वे अश्शूर के देश को वरन बैठाव के स्थानों तक निम्रोध के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी लोग हमारे देश में आए और उसके सिवाने के भीतर पाव धरे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा, और याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम करेंगे जैसा यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्यों की बाट नहीं जोड़ती। और याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं में सिंह व भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होता है, कि यदि वह उनके बीच में से जाए तो लताड़ता और फाड़ता जाएगा, और कोई बचा न सकेगा। तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नाश हो जाए। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तेरे घोड़ों को तेरे बीच में से नाश करूंगा और तेरे रथों का विनाश करूंगा, और मैं तेरे देश के नगरों को भी नाश करूंगा और तेरे किलों को ढा दूंगा, और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूंगा और तुझ में टोना के आगे को न रखेंगे, और मैं तेरी खुदी हुई मूर्ति और तेरी लाठे तेरे बीच में से नाश करूंगा, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत न करेगा, और मैं तेरी अशेरा नाम मूर्तों को भी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों को विनाश करूंगा, और मैं अन्य जातियों से जो मेरा कहा नहीं मानती क्रोध और जलजलाहट के साथ पलटा लूंगा। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, कि उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाए। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नेम, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इसराइल से वाद विवाद करता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या किया और क्या करके तुझे उकता दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया, और तेरी अगुवाई करने को मूसा हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की, और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और शित्तीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढों से
वह तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या वह अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पैलंपे को व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दे? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसको छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के संग संग नम्रता से चले। यहोवा इस नगर को पुकारता है और बुद्धि तेरे नाम का भय मानेगी। राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा दीपा घृणित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और घटबड़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। तू खाएगा परंतु तृप्त न होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा, और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु न बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं, तू जलपाई का तेल निकालेगा परंतु लगाने न पाएगा, और दाख रौंदेगा परंतु दाख मधु पीने न पाएगा, क्योंकि वे उम्री की विधियों पर और अहाब के घराने के सब लोग कामों पर चलते हैं और उनकी युक्तियों के अनुसार तुम चलते हो। इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वालों पर ताली बजाऊंगा और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूपकाल में फल तोड़ने पर वा रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सबके सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का अहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से भली भांति बुराई करते हैं। हाकिम तो कुछ मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो उत्तम से उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदायी है। जो सीधे से सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, पर अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलो, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और पतोह सास के विरुद्ध उठती है, और एक एक जन के घर ही के लोग उसके शत्रु होते हैं। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यो ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाए। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। तब मेरी बहन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढापेगी कि मैं
अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच की नाई लताड़ी जाएगी, तब तेरे बाढ़ के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन अशुर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र समुद्र और पहाड़ पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। तो यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ हो जाएगा, उजाड़ हो रहेगा। अपनी प्रजा की अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की जो कर्मेल के वन में अलग बैठती है, तू लाठी लिए हुए चरवाहे का, वे पूर्व काल की नाई बाशान और गिलाद में चरा करें, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। अन्य जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएगी, वह अपने मुंह को हाथ से छिपाएगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वे सर्प की नाई मिट्टी चटी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने कांटों में से कांपते हुए निकलेगी। वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएगी, हाँ वे मुझसे डरेंगी। तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध से आनाकानी करे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिरकर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और इब्राहिम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू हमारे पितरों से प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक खाता आया है।